मिल जाएगी। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पर, ओके, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ले रहे हैं तो कैसे फाइंड करेंगे। चलिए तो देखिए, हम मान रहे हैं कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस तरह से परफॉर्म होती है कि आपके पास रिएक्टेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर का वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जैसा हमने जीरो ऑर्डर के साथ किया था, सेम वैसा ही हमें फर्स्ट ऑर्डर के साथ भी करना है कि अगर आप देखते हैं टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पर, ठीक है, एट टी इक्वल्स टू जीरो टाइम, मतलब जब हमारे पास कंसंट्रेशन जो थी वो जीरो थी, तो उस कंडीशन मतलब टाइम जीरो था तो उस समय जो हमारे पास कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, उसको हम आर नॉट से डिनोट करते हैं। नीचे जीरो लगाया है, दैट मीन्स ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। ध्यान रखना, यहां पर जो कंसंट्रेशन होती है उसको इनिशियल कहते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन है ये। और अगर हम मानते हैं कि एट टाइम टी, एट टाइम टी, टी टाइम पर अगर ये कंसंट्रेशन चेंज होकर के आर में कन्वर्ट हो जाती है, मैं यहाँ प्रोडक्ट को इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हमें जो है वो फॉर्मूले में केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही यूज में लेनी है, ठीक है। तो इन दोनों से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया है, और थोड़ी देर बाद टी टाइम पर हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन चेंज होकर के ये हो जाती है, आर हो जाती है। अब अगर हम अगेन वापस वैसे ही देखें, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अगर रेट लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूं लिखते हैं कि रेट इक्वल्स टू के, और जो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसकी पावर 1, ठीक है। तो ये हमारे पास रेट लॉ के अकॉर्डिंग है। और अगर मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखता हूं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमने डेफिनेशन देखी थी, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो उसके लिए हम यू लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस, सॉरी, रेट इक्वल्स टू माइनस में डी आर अपॉन डी टी। ये हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो डेफिनेशन है रेट की, उसके अकॉर्डिंग हम यू लिखते हैं चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन में टाइम। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि दोनों रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर रहा हूं, इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर रहा हूं, तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो मैं यहां लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से दोनों को आमने सामने रख दिया जाए, ठीक है। और अगर हम आमने सामने रखते हैं तो देखो क्या बनता है हमारे पास में, माइनस में डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू के आर। अब देखो एक बार आपको ध्यान होगा, जो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखी थी उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यहां पर पावर 0 थी आपके पास ऊपर, ठीक है, तो इस वजह से इस पूरे आर की वैल्यू 1 हो गई थी। लेकिन अब हमारे पास पावर कितनी है इसकी, 1 है, तो 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो 1 ही अंडरस्टूड है कि वो 1 ही है पावर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करें। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर आर को इधर लेकर के आ रहा हूं, डी टी को उधर लेके आ रहा हूं, क्योंकि डी आर अपॉन आर के लिए मैं इंटीग्रेशन देखूंगा। तो यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं डी आर अपॉन आर, ठीक है, और नेगेटिव साइन को भी उस तरफ लेकर के जा रहा हूं मैं, माइनस के, और ये डी टी को उधर ले गया हूं मैं, तो ये बन गया डी टी, ठीक है। ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसमें मैं डी टी को उधर ले गया हूं आर की जगह, और आर को मैं इधर ले आया हूं, नेगेटिव साइन मैंने उधर शिफ्ट किया है, तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह बन गई है। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूं, इंटीग्रेशन, हाँ इसमें आएगा बेटा, बिल्कुल, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो आप देखिए यहां इसका इंटीग्रेशन करना है आपको डी आर अपॉन डी आर, ओके, जस्ट ए मिनट, है ना, और फिर यहां इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो यहां माइनस के, एक सेकेंड, क्या कह रहे हो, अच्छा साइड, ओके, बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड आ जाएगा। तो ये हमारे पास में इस तरह से दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहां पर आपके पास नेचुरल लॉग आएगा जो अपन ने कल बाय मिस्टेक लिख दिया था। तो यहां पर डी आर अपॉन आर का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो इसको आप नेचुरल लॉग आर लिखते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू, और इसका सेम वही होगा जो हमने कल यूज में लिया था, ठीक है, माइनस इसे लिख सकते हैं केटी, और प्लस सी जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया अपने पास में। अब सेम वही तरीका कि हमें क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूं कि जब टी इक्वल्स टू जीरो टाइम था उसको कंसिडर करता हूं, तो यहां मैं ले रहा हूं वेन टी इक्वल्स टू जीरो, जब टाइम जीरो होता है, टी इक्वल्स टू जीरो होता है, तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, उस कंडीशन में हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक
वो फाइनल कंसंट्रेशन के बराबर होती है, यानी इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर हो जाती है। तो वहां अब मैं अगर यहां जीरो रखता हूं तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, देखो नेचुरल लॉग आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के इंटू जीरो प्लस सी, क्योंकि मैंने यहां टाइम जीरो लिया है टी की जगह, तो जीरो टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन होती है आर नॉट। जैसे हम देख चुके हैं यहां पर जब टी इक्वल्स टू जीरो होता है तो कंसंट्रेशन को आर नॉट लिया जाता है, तो मैंने जब यहां टाइम को जीरो रखा है तो मैंने कंसंट्रेशन को आर नॉट रख दिया है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब ये आ गया नेचुरल लॉग आर नॉट इक्वल्स टू सी, तो यानी आपके पास में सी जो है उसकी वैल्यू आ गई है, एंड वी कैन पुट दिस वैल्यू, वी कैन पुट दिस वैल्यू इनटू सी, इस सी के अंदर हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। और जब मैं इस वैल्यू को पुट करता हूं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी नेचुरल लॉग आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस, और अगेन यहां पर मुझे रखना है नेचुरल लॉग आर नॉट। ठीक है, इस तरह से रखा जाएगा। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है हमें थोड़ा सा, और अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि के टी को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं, नेचुरल लॉग आर को उस तरफ ले जाता हूं, तो यहां ये इक्वेशन बन जाएगी के टी इक्वल्स टू, दिख रहा है, ओके के टू, के टी इक्वल्स टू, और इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग आर नॉट माइनस, इस इक्वेशन को मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को इधर ले जा रहा हूं, देन इट विल बिकम नेचुरल लॉग आर। ठीक है, अब यहां वो फॉर्मूला काम आ जाएगा हमारे पास जो हम लॉगरिथम के लिए यूज में लेते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूं तो हमें दिक्कत नहीं रहेगी, सीधा ही रहेगा। ओके, अब देखते हैं हम यहां पर कि किस तरह से इसको यूज में ले सकते हैं हम। जस्ट अ मिनट, यस देखिए, तो यहां पर हम केटी को एज इट इज ही रख रहा हूं मैं यहां पर, तो केटी इक्वल्स टू, अब आप देखिए इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां एक हमारे पास रिलेशन आ रहा है और रिलेशन में यहां शो कर देता हूं, और वो रिलेशन है जैसे नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी हो, तो नेचुरल लॉग ए अपॉन बी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वो रिलेशन में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहा हूं, सो इट कैन बी रिटर्न एज, इट कैन बी रिटर्न एज नेचुरल लॉग आर नॉट अपॉन आर। ठीक है, इसको यूं लिखा जा सकता है, आर नॉट अपॉन आर आ जाएगा यहां पर आपके पास। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो देखिए हमें ये पता है कि हमारे पास जो ये नेचुरल लॉग है इसकी वैल्यू होती है 2.303 लॉग 10 बेस, 10 बेस लॉग के इक्वल होती है। अच्छा उधर चला गया ये, कोई नहीं, है ना, इसकी वैल्यू जो होती है वो 10 बेस लॉग के इक्वल होती है, तो ये वैल्यू हमने यहां पर रख दी है, तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं इसमें नेचुरल लॉग की जगह, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, देखिए के टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस, हम इसमें शो नहीं करते हैं 10, लिखते नहीं है, बाकी अंडरस्टूड है कि ये 10 बेस लॉग होता है, और आर नॉट अपॉन आर इसको यूं लिखा जा सकता है। एक स्टेप और हम यूज में लेंगे, इस टी को मैं उधर ले जाता हूं, तो इट विल बिकम के इक्वल्स टू 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर तो है ही है, और यहां अपॉन में टी और आ गया है, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का काम करेगी। ठीक है, दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटर्न अदरवेज, एक तरह से और इसको लिखा जा सकता है, ये तो है ही है हमारे पास में, लेकिन कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा होता है कि ये जो आर नॉट है ना, इसको इनिशियल कंसंट्रेशन को ए कंसीडर किया गया, और जो फाइनल कंसंट्रेशन होती है उसको ए माइनस एक्स माना गया। ए माइनस एक्स क्यों, क्योंकि एक्स जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मान लेते हैं हम। तो अगर मान लीजिए मैं इनिशियल कंसंट्रेशन में से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को माइनस करता हूं तो बची हुई कंसंट्रेशन आ जाएगी मेरे पास। तो सेम इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, इस इक्वेशन को मैं यूं भी तो लिख सकता हूं कि के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी और लॉग में, और लॉग में आ जाएगा ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो कहीं जगह, कई कई जगह पर आपको ये इक्वेशन इस तरह से भी लिखी हुई मिल सकती है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो चाहे आप इसका यूज करें इसका यूज करें आंसर दोनों से ही आता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन।
अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले एक बार मैं तो इस साइड कर देता हूं इसको, सो दैट दिस पार्ट कैन बी, है ना, इसका वो स्क्रीनशॉट ले सकें। तो एक बार तो इस साइड का ले लें आप, ठीक है। और अगर आपने इसका ले लिया हो तो अब इसको मैं वापस मूव कर देता हूं दूसरी साइड में, और ये ओके, ये मैंने सेकेंड साइड कर दिया है, तो इसका और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। तो अब देखो इसके अंदर एक चीज बताऊं आपको, जो मेरा खुद का अनुभव इसके इक्वेशन के बारे में कहता है वो क्या कहता है कि हमारे पास में दो इक्वेशन है, एक तो जीरो ऑर्डर के लिए और एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मतलब हमने दो डेरिवेशन देखी है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर हम जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन देखते हैं तो वो छोटा है, और इसका जो डेरिवेशन है वो कंपेरेटिवली बड़ा है। तो मैंने अब तक जो देखा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो डेरिवेशन है वो ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उस पर न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो हमने इसके लिए इंटीग्रेटेड फॉर्मूला बनाया रेट इक्वेशन का, उस पर आपको न्यूमेरिकल हर एक दूसरे साल या कभी कभी कंटिन्यूस 2 साल भी मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी जो आपने कल पढ़ी थी, उसके अंदर आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैंने आज तक मेरे ख्याल में 8-10 साल से तो मैंने देखे नहीं है कभी भी, ठीक है। हाँ, उसकी डेरिवेशन जरूर पूछी जा चुकी है, क्योंकि डेरिवेशन कंपेरेटिवली छोटी है। ये डेरिवेशन जैसे अगर 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं तो थोड़ी सी कंपेरेटिवली बड़ी है, इसलिए नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है आपको। तो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इसके अंदर जो ग्राफ आते हैं वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बोर्ड में भी पूछे जाते हैं एज वेल एज कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो आते ही आते हैं, जैसे नीट जैसे एग्जाम के अंदर बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां पर मैंने 2-3 इक्वेशन क्रिएट किए बीच में जहां पूछी जाएगी। एक तो आपके पास में ये वाली इक्वेशन जो है, जो हमने यहां बनाई थी, दैट इज दिस वन, ठीक है। ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, इस इक्वेशन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है, ठीक है। अपनी बुक में भी है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हमें ध्यान रखना है। और एक जो मेन फॉर्मूला हमने बनाया है, इस मेन फॉर्मूला से भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है। तो इन दोनों का ग्राफ अपन देखते हैं किस तरह से बनेगा, ठीक है। चलिए, तो जो पहला ग्राफ आता है बहुत सिंपल ग्राफ है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे पहले अपन इसकी हेल्प से लेते हैं, है ना। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि आपको कौन सा ग्राफ बनाना है, आपको उस क्वेश्चन की हेल्प से बनाना है। तो आपको दिया जाएगा सपोज कि ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन नेचुरल लॉग आर एंड नेचुरल लॉग आर एंड टी, ठीक है। तो नेचुरल लॉग आर तो क्या है, जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और वो भी लॉग में, और टी जो है वो टाइम, इन दोनों के बीच में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो अब जैसे ये हमारे पास एक्सेस हो गए, दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस, ठीक है। एक तरफ आपको टी लेना है टेम्परेचर, और एक तरफ आपको लेना है नेचुरल लॉग आर, इनके बीच में आपको ग्राफ बनाना है। अब आपको ध्यान होगा, मैंने कल आपको बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को आप इस तरह से लिखते हैं, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आपको बस करना क्या है कि ये जो इक्वेशन है इसको इसके अंदर सेट करना है, ठीक है। अब y एक्सेस तो आपके पास ऑलरेडी आ ही चुका है, देखो y एक्सेस तो अपन यहां ले ही रहे हैं, तो y की जगह तो अपने पास आ गया नेचुरल लॉग r, ये तो y एक्सेस आ गया है। फिर आपको चाहिए इक्वल्स टू m, तो m और x, ठीक है, एक साथ चाहिए। तो x एक्सेस पर t है आपके पास में, जो t है यहां पर देखो t k के साथ प्रेजेंट है, तो इसका मतलब -KT जो है ये mx हो जाएगा आपके पास, और प्लस c चाहिए, तो लास्ट के अंदर आपके पास ये c की फॉर्म में आ जाएगा नेचुरल लॉग आर नॉट। अब एक और चीज ध्यान दें कि यहां पर ये दो तो एक्सेस हो ही गए, ये एक्सेस है, साथ में ये टी जो है ये भी एक्सेस है, ठीक है। और जो के है ना बेटा, के ये के किसको शो करता है, स्लोप को, और नेचुरल लॉग ये जो है ये इंटरसेप्ट है आपके पास, दिस इज इंटरसेप्ट, ठीक है, ये इंटरसेप्ट को शो कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज को इस पे एक्सप्रेस करना है। तो आप देखो स्लोप को पहचानो, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव आ रहा है दैट मीन स्लोप जो है वो डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, स्लोप डाउनवर्ड होगा। और इस डाउनवर्ड स्लोप के अंदर यहां जहां ये कट कर रहा है, ठीक है, तो यहां आपको इंटरसेप्ट मिल जाएगा। ये तो स्लोप हो गया, दिस इज स्लोप, दैट इज माइनस के, और जो इंटरसेप्ट है आपके पास दैट इज नेचुरल लॉग
आर नॉट, ठीक है, ये आपके पास में इंटरसेप्ट हो गया है। तो ये आपके पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको कहा जाए कि नेचुरल लॉग आर और टी टेम्परेचर इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाए, तो हम इजिली ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आता है आपका किसके बेस पर, जो हमने दूसरा फॉर्मूला बनाया था उसके बेस पर, एंड दैट इज द मेन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं। अब देखिए दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है ये फॉर्मूला, तो इसमें थोड़ा सा हमें संशोधन करना पड़ेगा। लेट सी, दैट इज हमें दिया गया है के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग और आर नॉट अपॉन आर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे ड्रॉ अ ग्राफ, आपको ग्राफ बनाना है बिटवीन, एक तो रखना है लॉग आर नॉट अपॉन आर और एंड दूसरा रखना है आपको टी, इनके बीच में ग्राफ बनाना है। एक बार चेक और कर लू मैं इसी के बीच में, आई थिंक जस्ट अ मोमेंट। तो ये जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यस, टेम्परेचर और इनके बीच में, यस, इन्हीं के बीच में। तो अब इसको ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है, तो वापस से देखो इस तरह से ड्रॉ करना है आपको कि एक एक्सिस पर वाई एक्सिस पर तो आपको किसको रखना है, वाई एक्सिस पर तो लॉग आर नॉट अपॉन आर को रखना है आपको, ठीक है, और जो एक्स एक्सिस है आपके पास में यहां पर आपको रखना है टेम्परेचर को, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, वहीं रीअरेंज कर देते हैं, अपने पास जगह भी है, उसको वहां लिखने की जरूरत नहीं थी। चलिए इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो इस तरह से रीअरेंज करें कि ये तो y एक्सिस पर आ जाए आपके पास, ठीक है, और ये x एक्सिस पर आ जाए। तो अब पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर t इधर आ जाएगा, तो ये kt बन गया। और आपको बाहर क्या चाहिए, आपको चाहिए log r नॉट अपॉन r बाहर चाहिए y की जगह, ठीक है, तो इसे आप यूं लिख सकते हैं, देखो log r नॉट अपॉन r, इसको तो मैं बाहर रख रहा हूं, और इन इस पूरी इक्वेशन इसको इधर लेकर के आ रहा हूं, तो ये आपके पास 2.303 अपॉन में आएगा, तो इट विल बिकम k अपॉन 2.303 इनटू t और प्लस में कुछ भी नहीं, जीरो, ठीक है। तो ये मैंने एक सिंपल सी उस इक्वेशन को मॉडिफाई किया है थोड़ा सा, ठीक है, वही इक्वेशन है बट इट इज मॉडिफाइड फॉर्म, बिकॉज मैंने यहां इसको किस फॉर्म में लिखा है, वाई इक्वल्स टू एम इंटू एक्स और प्लस में सी, इस फॉर्म में लिखा है मैंने, देखो इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा है, तो y एक्सिस तो है हमारे पास, दिस वन इज द y एक्सिस, ठीक है, दिस इज द t, दिस इज द एक्सिस, x एक्सिस। अब स्लोप आपके पास क्या है, देखो स्लोप ये है, दिस इज द स्लोप k 2.303, और जो आपके पास जीरो आ रहा है दैट इज द इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर इंटरसेप्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और दूसरा आपके पास जो ये स्लोप है ये भी पॉजिटिव है, तो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, तो ऐसी सिचुएशन कब पॉसिबल है, ऐसा तब हो सकता है जब ये ओरिजिन से जनरेट हो लाइन, क्योंकि अगर यहां से भी मैं कहीं से भी इस लाइन को जनरेट करता हूं तो इंटरसेप्ट तो बनेगा बनेगा, और हमारे पास इंटरसेप्ट जीरो होना चाहिए, तो इसलिए मैं यहां पर इसको ओरिजिन से लाइन को जनरेट करूंगा लाइक दिस, तो यहां इंटरसेप्ट अपने आप जीरो हो गया, और स्लोप जो है इसका, स्लोप ये स्लोप हो जाएगा आपके पास k अपॉन 2.303, दिस इज द स्लोप, तो ये आपके पास इसके बीच में ग्राफ बन गया है। तो ये भी एक मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है, बहुत सिंपल है, बस सिंपल y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, और जो हमारे पास इक्वेशन है उसको रीअरेंज करके इसमें फिट कर देना है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, ओके। चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं अपन सेकेंड चीज इसके बारे में, वो आती है हाफ लाइफ टाइम। जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम देखा था, सिमिलरली वी कैन फाइंड द हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हम हाफ लाइफ टाइम को ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इसको रफ कर दिया जाए और इसका हाफ लाइफ टाइम स्टडी करते हैं।
ओके देखते हैं, तब हम बात कर रहे हैं हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम हाफ लाइफ टाइम देख रहे हैं। तो देखिए हाफ लाइफ टाइम के लिए जैसा अपन ने जो डेफिनेशन बताई थी, मैं दोबारा डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप डेफिनेशन ध्यान रखें कि इट इज द टाइम टेकन बाय रिएक्टेंट टू चेंज इनिशियल कंसेंट्रेशन टू मेक फाइनल कंसेंट्रेशन हाफ ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन। मतलब फाइनल कंसेंट्रेशन को इनिशियल कंसेंट्रेशन के आधे रह जाने में जितना टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम, या रिएक्शन को हाफ कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा दैट इज हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो यहां पर हाफ लाइफ टाइम के लिए जो कंडीशन थी वो ये थी, फॉर हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम के लिए हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन होती है, सॉरी जो फाइनल कंसेंट्रेशन होती है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन की आधी रह जाती है। ठीक है, और दूसरा हमने ये देखा था कि जो टाइम होता है वो पहले वाले टाइम का की जगह है, हम उसको क्या यूज में लेते हैं, टी हाफ यूज में लेते हैं। तो ये दो चीजें हम यहां यूज में लेंगे हाफ लाइफ टाइम में, लेकिन ड्राइव किससे करेंगे, इसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से करेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखता हूं, तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो उसके अकॉर्डिंग तो यू होना चाहिए कि के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग और आर नॉट अपॉन आर। ओके, दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट हमें पता है कि हाफ लाइफ टाइम हमें फाइंड करनी है, तो आप कह सकते हैं इन हाफ लाइफ टाइम में अगर इस चीज को देखा जाए तो हम इसे लिख सकते हैं K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी 1/2, दिस इज हाफ लाइफ। और जब हाफ लाइफ ले रहा हूं तो कंसेंट्रेशन भी हमें चेंज करके लिखनी पड़ेगी कि आर नॉट तो आर नॉट ही रहेगा, बट आर जो है वो आर नॉट का हाफ हो जाएगा। ठीक है, आर जो है वो आर नॉट का हाफ हो जाएगा अपॉन में 2, तो 2 को मैं ऊपर ले गया हूं बेटा। ठीक है ना, आर नॉट अपॉन 2 था जो 2 को ऊपर ले गया, तो R0 will be cancelled out by R0, और क्योंकि मुझे T half निकालना है तो मैं T half को मैं क्या करता हूं, T half को बाहर ले लेता हूं, तो इट कैन बी रिटर्न एज T half इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log और 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हमें, तो आप देखिए T half के लिए इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, इसको तो 2.303 मल्टीप्लाइड बाय, अब लॉग 2 की जो वैल्यू है ये आप याद करेंगे क्योंकि लॉग 2 ही काम में आ रहा है अपने। ठीक है, बाकी जो होते हैं वो मोस्टली गिवन होते हैं, तो लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग 2, और उसके बाद के अपॉन में है आपके पास। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आपको आता है इसमें 0.693 डिवाइडेड बाय के, दिस इज द रिलेशन ऑफ टी हाफ, दैट मीन्स हाफ लाइफ टाइम एंड रेट कॉन्स्टेंट, इन दोनों में ये रिलेशन है। तो अब एक बार वापस से हम वो कंपेरिजन कर सकते हैं जो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किया था, कि हम अगर बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि रेट जो है वो या रेट कॉन्स्टेंट जो है वो कंसेंट्रेशन से कैसे इफेक्ट होता है और उसकी हाफ लाइफ टाइम कैसे इफेक्ट होती है। तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है के जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन के। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन आर ले लेते हैं ना, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन खास करके इनिशियल कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करते हैं टी हाफ मतलब हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ में देखो आपको कहीं कंसेंट्रेशन दिख रही है, यहां पर नहीं दिख रही ना, तो इसका मतलब टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, जो इनिशियल कंसेंट्रेशन होती है
पी हाफ उससे बिल्कुल फ्री होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी बहुत बढ़िया रिलेशन है। इसमें कभी कभी ना छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बोर्ड में हाफ मार्क्स वन मार्क्स के लिए, और कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, पूछ लिया जाता है। तो ये हमने यहां पर इनमें रिलेशन देख लिया है। अब अपने लिए जो इंपोर्टेंट चीज है इस हाफ लाइफ सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो उसमें दो इक्वेशन बन गई है जिस पर न्यूमेरिकल आएगा। एक तो उसका हाफ लाइफ टाइम है, और एक उसके लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने बनाई थी के को बाहर लेकर के, वो उन दो से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे कि न्यूमेरिकल किस तरह से आता है और उसको कैसे। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लें आप। वाला पार्ट तो अपन ऑलरेडी आई थिंक वो ले चुके हैं उसका। ओके डन। हाँ, कुछ पूछ रहे थे बेटा, एक बच्चा कह रहा था, एक बार वापस रिपीट, कौन कौन सा रिपीट करना है, ये वाला, ये वाला बेटा लास्ट स्टेप। ओके, ये वाला स्टेप जो बता रहे हो आप ना। ओके चलिए, तो एक बार इसको समझ ले लास्ट स्टेप को। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है यहां पर हमने क्या किया, हाफ लाइफ टाइम को सॉल्व किया किससे, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन बनी थी उसकी हेल्प से अपने इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करने पर हमने करा क्या यहां पर, कि जो हमारे पास इनिशियल है वो तो एज इट इज ही रखा, और आर जो है, क्योंकि हमें पता है हाफ लाइफ टाइम के लिए जो फाइनल कंसेंट्रेशन है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन की आधी होती है, तो मैंने फाइनल कंसेंट्रेशन की जगह इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन टू रख दिया, तो टू ऊपर चला गया, ये इससे कैंसिल हो गया। और हाफ लाइफ टाइम के लिए टी की जगह आप टी हाफ यूज में लेते हैं। ठीक है, फिर ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब लॉग टू की वैल्यू मैं रखता हूं, तो लॉग टू की वैल्यू होती है 0.2010। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन आती है आपके पास। तो ये बता रहा है कि हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, किस पर डिपेंड कर रहा है। तो हाफ लाइफ टाइम रेट कॉन्स्टेंट से तो अफेक्ट हो रहा है, बट एक्चुअली यहां पर देखें तो हमें कहीं कंसंट्रेशन नजर नहीं आ रही है इस फॉर्मूले में। और कंसंट्रेशन नजर नहीं आने का मतलब कि ये जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली करता है बट डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए हमने यहां पर लिखा है इस नीचे वाली लाइन में कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि जो के है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नॉट के है। ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हमने जो इक्वेशन ये ड्राइव की थी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो आप इसमें देखो के है ये, और ये आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इन दोनों में रिलेशन है ये एक तरह से। अगर मैं आर नॉट की वैल्यू बढ़ाता हूं तो के की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब के जो है वो, या जो रेट कॉन्स्टेंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो ये चीज मैंने यहां लिखी है कि के जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो ये दो रिलेशन हमारे काम में आते हैं। चलिए अब एक बार बात करते हैं इससे। हाँ बोलिए, बोलो बेटा। हाँ, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने जो बताया था, एक बार मैं वापस कंपैरिजन बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लें। मैंने ये बताया था आपको कि अगर अपन दोनों को कंपेयर करें, देखिए जस्ट ए मिनट, हमने दो अभी तरह के ऑर्डर देखे हैं। ठीक है, हमने जो रिएक्शन देखी है, एक तो देखा है, हमने ऑर्डर की बात करें तो हमने एक तो देखा है फर्स्ट ऑर्डर, और एक देखा है हमने जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करता हूं और एक बात करता हूं मैं फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है, तो देखो जीरो ऑर्डर के लिए अगर आप देखें कि टी हाफ का जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो हमने लिखा था इस तरह से, टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट डिवाइडेड बाय टू के। ठीक है, ये लिखा था हमने, और इसके लिए हमने लिखा है टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। ओके, एक तो ये दोनों के फॉर्मूले हो गए। अब दोनों का रिलेशन देखो आप कि टी हाफ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर नॉट के। इस इक्वेशन को देख के अपन यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम बढ़ता है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और यहां देखूं मैं तो टी हाफ जो है वो देखो यहां कंसंट्रेशन है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, टी हाफ इज फ्री फ्री फ्रॉम कंसंट्रेशन।
ठीक है, कंसंट्रेशन से या रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन से फ्री है, क्योंकि यहां पर आपको कहीं पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन दिखाई नहीं दे रही, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। फिर आप आ जाओ इसके दूसरे फॉर्मूले पर, जो के इक्वल्स टू पढ़ा था आपने जीरो ऑर्डर के लिए, दैट वाज आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, इस तरह से था, ठीक है। और इसको थोड़ा हमने सिंप्लीफाई किया था, इसको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेकर के, तो हमने इसको एक्स अपॉन टी लिखा था, ठीक है, हमें तो इसको लेना है। तो ये जो एक्स था, ये तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी, ठीक है ना, एक्स जो थी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी। और इसके लिए अगर देखें तो हम भी अब ने फॉर्मूला लिखा है 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, ठीक है, ये लिखा है। तो अगर यहां पर देखा जाए, अगर यहां पर देखा जाए तो ये जो के है वो आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन है तो प्रोडक्ट की है। तो यहां हम लिख रहे हैं कि के इज इनडिपेंडेंट, इनडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। और जबकि यहां देखा जाए तो के जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों में रिलेशन है, ओके। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है, लेकिन ये तभी हो पाती है जब आपको दोनों इक्वेशन के लास्ट जो हमने कॉन्क्लूजन है वो आपको बिल्कुल टिप्स पर हो, ठीक है, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो आसानी से, गॉट इट। चलिए इसको रफ कर दो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बढ़िया चीज है, इसमें पता चल रहा है हमें किसकी क्या कैसे रिलेट किया है अपन ने इनको, ठीक है। चलिए इसको रफ कर रहा हूं,